नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। हमारे देश में दिल फेंक नेताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस नेता शशि थरूर से लेकर सचिन पायलट तक कई ऐसे नेता रहे हैं जो राजनीति के अलावा अपने प्यार को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। ऐसे दिल फेंक नेताओं में एक और नाम है गौरव गोगोई का, जो असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे हैं। 36 साल के कांग्रेस नेता गौरव गोगोई उन नेताओं में हैं जो मोदी लहर के खिलाफ जीत कर लोकसभा पहुंचे थे। उनके चुनावी अभियान में उनकी पत्नी ने भी जमकर प्रचार किया था, जिसने उस वक्त काफी सुर्खियां बटोरी थी। 31 साल में ही सांसद बने गौरव गोगोई का जन्म 1982 में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से की है। सेंट कोलम्बिया स्कूल में पढ़ने के बाद गोगोई ने बीटेक किया और फिर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। पढ़ाई के दौरान 2010 में गौरव गोगोई न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में इंटर्नशिप कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। ये लड़की थी एलिजाबेथ, जो गोगोई को पहले ही नजर में भा गई। न्यूयॉर्क में हुई गोगोई एलिजाबेथ की मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। दोनों ने यह बात अपने परिवार को बताई। परिवार से मिली मंजूरी के बाद साल 2013 में गौरव गोगोई और एलिजाबेथ दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोनों को करीब 2 साल का एक बेटा भी है, जिसका नाम उन्होंने कबीर रखा है। एलिजाबेथ मूल रूप से इंग्लैंड की रहने वाली हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। ब्रिटेन के होने के बावजूद एलिजाबेथ को साड़ियां पहनना काफी भाता है। अपने पति के लिए एलिजाबेथ ने 2014 के चुनाव में भी जमकर प्रचार किया था। चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने असमिया भाषा भी सीखी थी। फिलहाल उनकी मेहनत रंग लाई और गौरव गोगोई चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंच गए। सांसद बनने के बाद गौरव गोगोई पत्नी एलिजाबेथ के साथ दिल्ली में ही रह रहे हैं।